ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. आता पाहूयात पुढची बातमी. आरएसएसची कोणतीच गोष्ट मला आवडत नाही, मात्र मॉब लिंचिंग सारख्या मुद्द्यांवर मोहन भागवतांना उत्तर देणं गरजेचं आहे असं म्हणत एमआयएम पक्षाचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजप आणि आरएसएसवर शरसंधान साधलंय. महाराष्ट्राची दशा ही सर्वसामान्य जनता ओळखून आहे, ते तुम्हाला सांगायची गरज नाही असं देखील ओवेसी म्हणाले. जालन्यात एमआयएमचे उमेदवार इक्बाल पाशा यांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या सभेत ओवेसी बोलत होते. आप तमाम से गुजारिश कर सको कि आप तमाम हजरात यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के मेरी जद्दा और माँ और बहने, यहाँ के नौजवान सब मिलकर 21 तारीख के दिन मोहतरम जनाब इक़बाल पाशा साहब का जो इम्तियाजी इंतखाबी निशान है पतंग पर, अपना बटन दबाकर इनको अपने वोट और अपनी दुआओं से कामयाब करें. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर महाराष्ट्र की सियासत से बाखबर हैं, मगर वहां पर आने से पहले मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आज नागपुर में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आरएसएस के चीफ ने, मोहन भगवत ने अपनी तकरीर में एक बात कही जो मुझे पसंद नहीं आई, और यकीनन आरएसएस की हर बात मुझे पसंद नहीं आती. तो मोहन भगवत के आज के उनके तकरीर के एक जुमले का जवाब देना जरूरी है, वरना दुनिया ये समझेगी कि ओवैसी ने कर्जा नहीं उतारा आरएसएस का.